नमस्कार मित्रों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं जुड़ी लॉकडाउन के कारण सरकार ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला। छात्रों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में किया गया है यहाँ पे प्रमोट। संपूर्ण अपडेट के लिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक बड़ी अपडेट, सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर देश भर में निरस्त कर दी गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर। नई दिल्ली केंद्रीय मानव संसाधन विकास एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया कि देश भर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा अब नहीं होगी आयोजित। देख सकते हो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली को इससे अलग रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एनआरसी और जब विरोध हो रहा था उसके कारण विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं हो पाएगी। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन अतिरिक्त समय मिलेगा। कोरोना संक्रमण के चलते हुए बोर्ड ने मार्च में परीक्षा स्थगित कर दी थी। हालांकि सीबीएसई ने पहले 12वीं के मुख्य विषयों को परीक्षा कराने की बात कही थी। वही कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार भी राज्य से बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में 1 से 10वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा दिए बगैर परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोशन देगा। बहुत ही बड़ा फैसला लिया। इस बार 10वीं 12वीं परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी, केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 12वीं बोर्ड में केवल 23 परीक्षा ही इस बार सरकार आयोजित करेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब आप पूछोगे कि 12वीं बोर्ड को है वो यहाँ पे प्रमोट क्यों नहीं किया गया है। उनको प्रमोट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उनको अगली कक्षा है जो कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन लेना है, उसके कारण उनको मार्च है अनिवार्य उनको चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वीडियो और जानकारी अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।